श्रीनिवास पटना काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है। आप श्रीनिवास, क्या इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, क्विकली बताइए। 10 और 7 का आंकड़ा हो चुका है। निशांत, मैं ठीक आप देख सकते हैं, पटना में जो एन कॉलेज के ऊपर मतगणना केंद्र है वहां पे खड़ा हूँ। लगभग 14 विधानसभा क्षेत्रों की यहाँ गणना हो रही है। मैं आपको बताऊं कि सुबह 8 बजे यहाँ से पोस्टल बैलेट की शुरुआत हो चुकी है और जो खबर मेरे पास अभी आ रही है कि यहाँ से मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के आगे चलने की खबर आ रही है यहाँ से। हालांकि पोस्टल बैलेट की अभी गिनती चल रही है। 8:15 बजे यहाँ पे तमाम ईवीएम खोले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बख्तियारपुर, बाकीपुर, दानापुर, मनेर, फुलवाड़ी, मसौढ़ी, पालीगंज, विक्रम, इन तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी मतगणना चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी हमें इंतजार करना होगा। यहाँ पे 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हो रही है। लेकिन जो खबर आ रही है कि महागठबंधन 8, आरजेडी 7, कांग्रेस 1, एनडीए 10, जजिसमें 6 पर बीजेपी, 3 पर जेडीयू और 1 पर वीआईपी। महागठबंधन 8 और अभी के जो हालात हैं उससे ऐसा लगता है कि आरजेडी अभी लीड कर रही है। पोस्टल बैलेट्स में आरजेडी, महागठबंधन 11। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।